What's up guys? Welcome back in my channel. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मेकअप. तो पहले मैं यहाँ पे ले रही हूँ गुड वाइब का कुकुम्बर टोनर और इसको मेरे फेस में स्प्रे कर ली हूँ. उसके बाद इसको जेंटली मसाज करते हुए ओवरऑल पूरे फेस में मैं इसको अप्लाई कर लूँगी. इसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है मामा अर्थ का सिरम. लगाने के बाद अब मैं लगा रही हूँ क्लिनिक का अपना डेली मॉइस्चराइज़र. तो ये काफ़ी अच्छा मॉइस्चराइज़र है. मैं जल्दी इसका रिव्यू आपको लिए पोस्ट करूँगी. काफ़ी अच्छा मॉइस्चराइज़र है ऑयली स्किन एंड हर टाइप की स्किन वालों के लिए. तो ये लगाते ही स्किन बहुत अच्छा फील होता है. इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ मेबेलिन का एज रिवाइन कंसीलर. तो यहाँ मैं फाउंडेशन से पहले कंसीलर यूज़ कर रही हूँ और मैंने प्राइमर अप्लाई कर लिया था मॉइस्चर लगाने के बाद अपना. उसके बाद इसे ब्लेंड करना है. तो यहाँ मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे अच्छा से ब्लेंड करूँगी. इसे कवरेज काफ़ी अच्छा आता है अगर आप फाउंडेशन के अंदर भी कंसीलर अप्लाई कर रहे हो तो इसे ब्लेंड. बेस मेकअप होने के बाद अब मैं यहाँ पे अपने फेस को कंट्रोल कर रही हूँ. तो यहाँ पे मैंने एलेवेल का सेम कंट्रोलिंग क्रीम लिया है जो कि शेड है कोकोवा. तो जितने भी प्रोडक्ट मैं यूज़ करूँगी उसका डिटेल एंड परचेजिंग लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी. तो प्लीज़ उसे चेक करें अगर आप इंटरेस्टेड हो तो. यहाँ पे मेरा कंट्रोलिंग हो गया है. अब मैं यहाँ पे कंसील कर रही हूँ और अपने अंडर आई एरिया एंड अपने हाइएस्ट जितने भी फेस के पॉइंट्स हैं उसे हाईलाइट कर रही हूँ. तो यहाँ पे मैंने येलो शेड पिक किया है कंसीलर का जो कि एलेगल का मैंने लिया है एंड अपने फेस में डाल करके इसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ. अगर आप मेरे चैनल में आपको मेन ब्लेंडिंग में टेक्निक रखना बहुत ज़रूरी है. नहीं तो फिर क्या होता है ना कि आपका आई शेडो क्रिएट नहीं होता जैसा आप चाहते हो. फिर मैं यहाँ पे हुडा ब्यूटी के डेजर्ट डस्ट पैलेट से पीच कलर पिक कर रही हूँ अपने फिंगर टिप में एंड इसको अपने आई लिड के ऊपर वाले एरिया पे अप्लाई कर रही हूँ जैसे आप देख सकते हैं एंड इसको ब्लेंड करते जा रही हूँ. जैसे ये ब्लेंड होता है उसके बाद मैं यहाँ पे लाइट क्रीम से कलर लेकर के जो मेरा लाइनिंग क्रिएट हुआ है डार्क टू लाइट वहाँ पे मैं प्लेस करके इसको ब्लेंड आउट करके न्यूट्रल कर लूँगी. यहाँ मैं यूरोप गर्ल पैरिस के आई शेडो पैलेट से स्ट्रॉबेरी पिंक टाइप का कलर पिक करके अपने कॉर्नर आईज पे लगा रही हूँ मतलब आई के लिड पे एंड उसके बाद मैं गोल्डन कलर पिक कर रही हूँ एंड इसे भी लगा रही हूँ. तो ये आई शेडो जो होता है ये थोड़ा क्रीमी टेक्सचर होता है. ये पाउडरी फॉर्म में नहीं होता इसलिए ये ब्रश में पिक नहीं होता. ये आपके फिंगर टिप से ही पिक हो गए बहुत अच्छे से लगता है एंड काफ़ी अच्छा सूदिंग ग्लिटरिंग है इसमें. अब मैं वही सेम गोल्डन कलर लेकर के अपने आईज के टियर डक्ट के पास इसे अप्लाई कर रही हूँ आप देख सकते हैं. उसके बाद मैं सेम पैलेट से पीच कलर पिक कर रही हूँ एंड जस्ट गोल्डन के अबव इसको प्लेस कर रही हूँ एंड फिर मैं तीन कलर को अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ. काफी अच्छा है गाइस.
फाउंडेशन के पैलेट से एंड अपने लोअर लैश लाइन में इसको ब्लेंड आउट कर लेंगे। फ्लावर के जेल लाइनर से अपना पिंक लाइनर ड्रॉ कर रही हूँ एंड ये मैं थोड़ा पॉइंटी लाइनर ड्रॉ करूँगी एंड काफ़ी अच्छा है म्यूजिक फ्लावर का ये जेल आईलाइनर आप ट्राई करें एंड काफ़ी अच्छे से टक्कर देता है सारे ब्रांडेड हाइबर कर्ल मस्करा लगा रही हूँ, ये काफ़ी अच्छा मस्करा है, ये भी आप ट्राई करें। उसके बाद अब मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ मेरा लिपस्टिक, तो यहाँ पे मैंने लिया है मिलानी का डिवोशन, ये काफ़ी खूबसूरत एंड काफ़ी गॉर्जियस मरून, रेडिश मरून आप बोल सकते हो कलर है एंड न्यूट्रल है, इसको मैं अप्लाई कर रही हूँ अपने लिप्स पे। फाइनली माई मेकअप इज़ डन, तो यहाँ पे मैं अपना फॉल्सेस लगा रही हूँ और ये फॉल्सेस मैंने लिया है हूरा ब्यूटी का, तो मैं इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, ऑल्सो इट्स परचेज लिंक, तो अगर आप इन तो फाइनली माई मेकअप इज़ डन, तो अब मैं यहाँ पे सेटिंग स्प्रे लेकर के जो कि मैंने लिया है मैक का एंड इसको अपने फेस में स्प्रे कर ले रही हूँ ताकि मेरा जो मेकअप है वो सेट हो जाए। माई लुक इज कम्प्लीटेड, तो यहाँ पे मेरा लुक मैंने कम्प्लीट किया है कुछ ज्वेलरी एक्सेसराइज करके, तो ये मैंने वेयर किया है मांकी का एंड स्लीक टाइप का इयर रिंग एंड मैंने यहाँ पे वेयर किया है बीच साड़ी, ये साड़ी मैंने वेयर किया है इंडो वेस्टर्न स्टाइल में एंड अंडरनीथ दिस साड़ी मैंने वेयर किया है जीन्स, तो ये काफ़ी अच्छा मॉडर्न टच देता है ट्रेडिशनल लुक के साथ में, तो ये आप ट्राई कर सकते हो मेरे स्टाइल में, अगर आपको ये लुक अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको न्यू लुक्स जानने में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपको डिफरेंट स्टाइल बताऊंगी हर ड्रेस को ड्रैप करने का एंड वेयर करने का, तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड रहिए मेरे साथ एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें एंड मेक श्योर टू कमेंट मी डाउन बिलो कि आपको और कैसे वीडियोज चाहिए एंड वीडियो का समय एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल मींस अ लॉट टू मी एंड इट्स कॉस्ट नथिंग टू डू दैट।